गाइस आप सुन रहे हैं हेलो एफएम 106.4। मैं हूं आपका होस्ट सुरेश कुमार। आइए अब जानते हैं ट्रैफिक का ताजा हाल। डेवलपमेंट बैंक ने अपने कस्टमर्स को 2% एक्स्ट्रा देने की बात क्या कही। लगता है पूरा शहर सड़क पर उतर आया है, इसीलिए शहर में ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तो जिसे ट्रैफिक जाम में फंसना है वो घर के बाहर आए, वरना चुपचाप घर में बैठ के भजिया वड़ा पाव खाए। मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। आप सुनिए ये नया गाना। कैसे हो? बढ़िया सर। सर देखे ना कैसे 2% एक्स्ट्रा लालच के इंटरेस्ट में लोग अपना घर बार ऑफिस तक छोड़ के आ गए। तुम क्या यहाँ गरबा खेलने आए हो? नहीं सर, 2% का फायदा उठाने। कितना कलेक्शन हुआ? 1,500 करोड़। ये सब ताली क्यों बजा रहे? दरअसल अभी आपने जो कैश डिपॉजिट कराया है उससे हमारे बैंक का कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ 1500 करोड़ हो गया है। ओह दैट्स ग्रेट। तो हमें कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं मिलेगा? हाँ रसीद मिलेगी ना। एक्सक्यूज मी सर, चेयरमैन सर का फोन है। तुम तो जानते हो इस कमरे में कोई नेटवर्क नहीं आता है। वर्धराजन सर, मैं श्रीनिवास बोल रहा हूँ। सर चेन्नई से लेके कोयम्बटूर तक हमारी 23 ब्रांचेस में हमने 40 दिन में टोटल 1500 करोड़ कलेक्ट किया है। ये एक रिकॉर्ड है सर। वेरी गुड बिट्टू। 1500 करोड़ की गड्डियां कुतुब मीनार जैसी ऊंची नहीं होगी। सलेम से एयरकार्ट जाते वक्त बीच में अचानक एक अजीब मोड़ आता है, बस वहीं मेरी एक 10 एकड़ की जमीन है। वहां से नीचे देखने पर लगता है मानो पूरा सलेम शहर मेरे कदमों तले है। बचपन में मैं वहां घंटों बैठकर नीचे देखता रहता। मुझे किसी ने बताया इसी तरह की जगह चेन्नई में भी है। मन तो करता है वहां अपना बंगला बनवाऊं। उसके लिए 56 पैसे चाहिए। क्या टाइमिंग है, करीब 1500 करोड़ रुपए। तुम आज से ही काम पर लग जाओ। सुपर डील सर। 1000 करोड़ आपके होंगे और जिसने रिस्क उठाया उसको चिल्लर 100 करोड़ क्यों? तुम्हारा ये भाई है तो बड़ा जोशीला, पर लगता है जवानी में इसकी अकल जंग खा गई है। तुम्हें विदेश का तुम्हारा ताऊ भेजेगा है? ट्रेवल मूर्ति, इंडिया का नंबर 1 ट्रेवल एजेंट, वीजा और पासपोर्ट का इंतजाम ये करेगा और 24 घंटे में तुम यहाँ से बाहर हो गए। लाला। हाँ भैया। फ्री में तो हम अपने बाप के लिए भी काम नहीं करते, और जो करते हैं वो बेवकूफ होते हैं। तो बताइए बैंक कब लूटना है? वैसे संडे रात को परफेक्ट रहेगा। आज रात लूटें तो? इतना टाइम काफी है? पैसा जमा करने में टाइम लगता है, पैसा लूटने में नहीं। छोकरे जमा करो। ओके। जो एक दूसरे को जानते ना हो। टाइट सिक्योरिटी की वजह से प्लान फेल ना हो जाए। बिट्टू का प्लान फेल करने वाला पैदा नहीं हुआ। ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, तो एक 50 किलो के आदमी को ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर कितनी स्पीड से दौड़ना चाहिए? हंसने की क्या बात है? अरे क्या पापा, आपका कॉन्सेप्ट ही उल्टा पुल्टा है। क्या उल्टा पुल्टा है? 60 की स्पीड से दौड़ने वाली ट्रेन को पकड़ने का सवाल ही नहीं उठता। फिर आदमी मोटा हो या पतला क्या फर्क पड़ता है? तो फिर मैं सवाल क्या पूछूं? 5 करोड़ की चमचमाती फरारी 150 की स्पीड से जा रही है, उस कार को मॉल पहुंचने में कितना टाइम लगेगा जो 50 किलोमीटर दूर है? और आप हैं कि बस ट्रेन शेयर ऑटो जैसी चीप बातें कर रहे हैं। देखिए बात क्लियर है, इंसान कंगाल हो पर उसकी सोच मालामाल होनी चाहिए। 5 स्टार के सपने दिखाओ ढाबे के नहीं। बच्चों इनकी सुनोगे ना तो फ्यूचर ब्राइट नहीं टाइट हो जाएगा। चलो घर जाओ। साइलेंस, इसमें हंसने का क्या है? तुम्हारे पति आ गए तो ये माँ बेटे की मिली भगत है। कभी तो अपने बेटे की भी सुन लिया करो, इससे बहस करते हो और बाहर सब बच्चे आपकी खिल्ली उड़ाते हैं।
अपनी सरकारी नौकरी के अलावा अगर मैं ट्यूशन से चार पैसे और कमा लूं तो तुम्हें यह मजाक लगता है। क्या हुआ बेटा? दो पराठे देना घी की मालिश करके। हाँ अभी लाती हूँ। बाप के होटल में खाने वाले का दो पराठों से क्या होगा, मैं तो कहता हूँ उसको 20 पराठे और ला कर दो। पहले ही खा खा कर गेंडा हो गया है, घी खा के डायनासोर बनेगा। पापा जब भी मेरे फ्रेंड्स घर पर आते हैं भैया जानबूझकर बिना शर्ट के बाहर आ जाते हैं अपनी बॉडी दिखाने। मेरी फ्रेंड्स वो जो कल आई थी, अगर उनका लिपस्टिक और काजल पोंछ देना तो कंचना रिटर्न्स में भूत का रोल मिल जाए। मेरा बेटा किसी को नहीं देखता, सब इसको देखते हैं। और ले सुन, इस तरह बनियान पहनकर मत घुमा कर। अपनी ये बनियान भी उतार दे। आप चुप रहो जी, इससे ढक ले वरना नजर लग जाएगी। चैनल इतने सारे हैं पर एक भी काम का नहीं है। तो तू कुछ बड़ा करना चाहता है जिंदगी में? रात को लेट सोना, 11 बजे तक बिस्तर में पड़े रहना। सुन, जो सुबह सुबह सूर्य देवता के साथ उठता है ना, वही लाइफ में ऊपर उठता है। पापा वैसे तो एक मुर्गा भी सूर्य देवता के साथ ही उठता है, ठीक से उड़ भी नहीं पाता और बाद में लेग पीस बन के किसी के पेट में होता है। कब सुधरेगा? मेरी बातों का उल्टा जवाब देना जरूरी है? पापा आपको ये मिडिल क्लास की मजदूरी पसंद होगी, मुझे नहीं है। ये सेकंड हैंड फोन खरीदना, बिना सेल के किसी भी दुकान से सामान नहीं लेना, भरी हुई बस में लोगों का पसीना सूंघना, ये सब मुझसे नहीं होने वाला। लेकिन बेटा मेहनत करने से ही रात को चैन की नींद आती है। अरे पापा पैसा कमाना कोई चमत्कार नहीं है, अभी मुझे 10,000 रुपए दो, 2 घंटे में उसके 1,00,000 बना दूंगा। सिर्फ 2 घंटे में 1,00,000? मतलब मेरी 4 महीने की तनख्वाह। जितना मैं 120 दिन में कमाता हूँ तू मुझे वो 120 मिनट में लाकर देगा? खेल नहीं है ये। ये ले 20 बच्चों के ट्यूशन के पैसे। उसने पैसे मांगे और आपने उसे दे दिए, 2 घंटे में वो 1,00,000 रुपया कैसे कमाएगा? वो मेरी नहीं मानेगा, ठोकर खाकर सीखेगा। क्या हो यार, आ क्यों नहीं रहा? अरे डर मत, कुछ नहीं होगा। अच्छा छोड़ रख। एक्सक्यूज मी, मुझे कहीं अर्जेंट जाना है, मुझे लिफ्ट मिल सकती है प्लीज? थैंक यू। ओ रूबिक्स क्यूब, आप भी इसके साथ टाइम पास करते हैं? कहाँ जा रहे हो? सिक्सर पब पार्टी करने। आईपीएल का सीजन है तो बैटिंग तो बनती है। तो क्या पब में आजकल लोग बैटिंग करने आते हैं? मजाक कर रहे हो क्या? बैटिंग के मामले में सिक्सर पब कच्चा लिंबू है, लियो पब है सबका बाप। सिर्फ आज रात की बैटिंग में स्टेट गवर्नमेंट का बजट क्रॉस हो जाएगा, अलग ही लेवल है वो। पुलिस नहीं जानती? जानती तो ड्यूटी छोड़कर खुद वहां नहीं आ जाती, वहां पे पैसा उड़ता नहीं बरसता है। अरे ये बार बार हेलो एफएम क्यों लगाता है? ए चैनल चेंज मत कर, मुझे अच्छा लगता है। बॉस साइड में लगा दे, सेकंड लेफ्ट थर्ड बिल्डिंग। अपने पैसे संभाल, बीच में कोई लूट ना ले। अपनी जेब कोई धर्म खाता नहीं है, हाथ डालने वाला बचेगा नहीं। शाना मत बन, डालेगा तो पता चलेगा। डाल के तो देखे, इतना मारूंगा कि 7 पुश्तों का डीएनए खराब हो जाएगा। ना चाइनीज लगेंगे ना अफ्रीकन, ना औरतों में गिनती होगी ना ही मर्दों में, जन्मों तक तड़पेंगे। इस क्यूब को इतनी जल्दी सॉल्व करना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन उसने तो मस्ती मस्ती में कर दिया। अरे यार आने में देर क्यों कर दी? अरे सूरी का वेट कर रहा था यार, एंड टाइम पे टांग दे दी उसने, लिफ्ट लेकर आया हूं। क्या हुआ? हाय स्कोर क्या हुआ? सीएसके को 20 बॉल में 45 रन करने। सिर्फ ये बता धोनी है या नहीं? हां धोनी खेल रहा है। फिर तो अपने पास चांस है। यस। ए आज का रेट क्या? 10:12। क्या मतलब 10:12? अबे नंबर नंबर क्या खेल रहा है, साफ साफ बता, पापा का पैसा डूब जाएगा। धोनी ने छक्का मारा तो 1,00,000 तेरे हाथ में, और नहीं मारा तो गए तेरे 12,000 रुपए। ओ मैं तो सिर्फ 10,000 लेकर आया हूँ यार। अरे 2,000 रुपए मैं तेरे को देता हूँ ना। अच्छा थैंक्स यार, चल। हाँ हाँ डन, ये लगा दे। हेलो वो ओवर हो गया सर, अब नया ओवर स्टार्ट हो रहा है। धोनी अगले ओवर में 2 छक्के मारेगा, मेरे 1,00,000। हाँ इसको क्या हो गया? ये पिछले ओवर में जब बाथरूम से आया तब इसकी जिप खुली थी और उसी वक्त धोनी ने 6 मारा, इसे लगता है ऐसा खड़ा रहेगा तो धोनी 6 मारेगा। अबे तो इसको बोल ऐसे ही जमा रहे, हिले नहीं। अरे सिक्सर, एक और छक्का। यस 1,00,000 रुपए साइड में रख। सर मेरे कस्टमर्स को क्यों मार रहे हैं? मेरे पास इस पब को चलाने का लाइसेंस है, सिर्फ अच्छे घर के लोग ही आते हैं यहाँ पर। इन्फॉर्मेशन मिली है इसीलिए रेड मारने आया हूँ। आ जा बेटा, तेरी भी शर्म।
सर माइक टू कॉलिंग सिक्सर पब में हूँ सर हमें एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है क्या सर लियो पब में आईपीएल के सट्टे में स्टेट के बजट जितने पैसों की बेटिंग हो रही है ठीक है तुम बाकी फोर्स लेकर वहाँ पहुँचो ओके सर ए हसमत ए बहुत हंसी आ रही है इधर आ क्या हुआ हंस क्यों रहे थे मैंने सब कुछ सुन लिया सेकंड लिफ्ट थर्ड बिल्डिंग लियो पब में बैटिंग स्टेट लेवल बजट अब से ठीक एक घंटे पहले मैंने ये बातें किसी से कही थी कहाँ जा रहे हो सिक्सर पब पार्टी करने बैटिंग करने लियो पब है सबका बाप सिर्फ आज रात की बैटिंग में स्टेट गवर्नमेंट का बजट क्रॉस हो जाएगा एक एक वर्ड से इसलिए जब मैंने वो सब फिर से सुना मुझे हंसी आ गई सर ये कोई जोक था जिसने आपको फोन किया वो क्रिमिनल है सर कैसे ये खबर देने वाले ने क्या उसका नाम बताया नाम नहीं बताया सर ओके आई बिलीव यू कहना क्या चाहते हो तुम उसने बड़ी चालाकी से आपकी आधी पुलिस फोर्स को यहाँ भेजा और बाकी को लियो पब में जहां तक मुझे याद है कंट्रोल रूम के पास डीबीएफ बैंक है उसी को लूटने के लिए ये सब किया तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो डीबीएफ बैंक ही लूटेंगे भरी बारिश में पूरी गैंग एक साथ थी शादी में तो नहीं जा रहे होंगे ये शादी का सीजन नहीं है उनके हाथ में मंकी कैप थी फेंस काटने के लिए वायर कटर भी लॉकर तोड़ने के लिए टूल बॉक्स भी जिस बंदे ने मुझे लिफ्ट दी उसी ने आपको खबर भी दी और सबसे जरूरी बात वो सबको शक की निगाह से देख रहे थे कोई भी हंस नहीं रहा था पूरा माहौल टेंशन में जैसे कि कोई जोखिम भरा काम करने जा रहे हैं इस लॉजिक पर मैं कैसे यकीन करूं? लॉजिक का जमाना पुराना हो गया सर आजकल मैजिक का जमाना है इसीलिए तो अपने देश में साइंटिस्ट की कम और बाबाओं की इज्जत ज्यादा है कबो लेट्स गो यस टोटल कितने बने हैं सब मिलके टोटल 10 लोग हैं मतलब अपना तो शेयर कम हो गया ना इसीलिए जैसे तू वायर काटेगा तू ऊपर जाएगा इस लॉकर को खोलना हमारे बस की बात नहीं है है चाबी मिल जाए तो स्टाफ के अभी भी कुछ लोग अंदर हैं चाबियां उनके पास होंगी
ये सब तूने किया ना? बोलना, जवाब दे। वो सुन लेंगे। श्रीनिवास, वेंकी, अगर तुमने ये दरवाजा नहीं खोला तो तुम्हारे घर का दरवाजा खुल जाएगा। पहले तुम्हारी बीवी मरेगी और फिर तुम्हारे बच्चे। गुड, जा लॉकर खोल। टपका दिया ना, उन सबको टपका डाला ना। बहुत छाना बनता है ना तू। अपुन के साथ जो 10 लोग आए थे उसमें से सिर्फ तू और मैं बचे हैं। अपुन में से सिर्फ कोई एक ही बाहर निकल पाएगा और तू मुझे लेटाना चाहता है ना शाने? वो देख तेरी मौत आ रही है। ग्रे कलर इनोवा, उसके आगे एक और गाड़ी है जिसका नंबर हमें दिख नहीं रहा है। एक सेकंड रुकिए सर, ये उनकी कोई चाल है। उनका पीछा करके हमें कुछ हासिल नहीं होगा। पैसे उन गाड़ियों में नहीं है। अगर होते तो वो स्ट्रीट लाइट्स वाले नहीं अंधेरे एरिया से निकलते। वो चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्रेन का हो खेल रहा है, मतलब इसी से पैसे उठाए होंगे। इंजन अभी भी गर्म है, इसी क्रेन से दीवार तोड़ी होगी। टायर के निशान काफी गहरे हो गए हैं, ऐसा पैसों के वजन से ही हुआ होगा। और वो ट्रक गया होगा उस तरफ। ए, लाला। हाँ भैया। पुलिस तेरे पीछे, थोड़ा सा आगे जाने पर एक डंपिंग यार्ड दिखेगा, ट्रक को वहां पार्क कर दे। मैं वर्धराजन को फोन करता हूं, पैसे के ढेर पर किसी की नजर ना पड़े, बीच में जो भी आए मार देना। जल्दी से उन पैसों को कचरे के ढेर में छिपा दे। किसी को उंगली कर पाएगा ना कभी ठेंगा दिखा पाएगा। लाला, लाला, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। सर, वो पैसे यहीं कहीं पर होंगे। इसको थर्ड डिग्री देकर सब उगलवा लेंगे। सर, उसके बिना भी हम पैसों को ढूंढ सकते हैं। रवि, अभी के अभी तुम यहाँ से चले जाओ। अगर नहीं गए तो बेकार में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू। सर, लेकिन मेरी बात तो सुन। लुक, ये कोई छोटा मामला नहीं है, बहुत संगीन मसला है। जस्ट स्टे आउट ऑफ दिस। ओह
ओए रवि आ गया यार आ गया, चलो पार्टी करते हैं। लाला चार बॉटल और ला। पुलिस की गाड़ी और सिक्योरिटी के साथ आ रहा है, पक्का ये क्रिमिनल होगा। क्यों, पुलिस की गाड़ी में सिर्फ क्रिमिनल आए ये जरूरी नहीं है। ए, आप उनके सामने शाना बनता है की क्या जरूरत है, आप पैदाइशी भाई लोग तुम तो समझदार लगते हो, कहाँ इनकी बातों में आ रहे हो। चलो छोड़ो, चलकर राख होने वाले इनको लूटने में मैंने अपनी जान के बाजी लगा दी। रवि सर, रवि बिट्टू भाग निकला और तो और उसने हमारे एक इंस्पेक्टर और दो कांस्टेबल्स को भी शूट कर दिया। उसके अगले टारगेट तुम हो। अक्सर विटनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसे किसी सुरक्षित जगह पर भेज देते हैं, हम इसे विटनेस रिलोकेशन प्रोग्राम कहते हैं। जब तक वो गिरफ्त में नहीं आता तुम्हें कहीं और भेजना पड़ेगा। पापा आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? कुछ भी नहीं। कहीं तू भटक ना जाए इसलिए मैंने तुम्हें डांटा था। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तू ठीक रहे। डरो मत रवि, हम बिट्टू को बहुत जल्द पकड़ लेंगे। सर सर सर, मैं ये बिट्टू विट्टू से डरता नहीं हूँ, मेरी फैमिली सेफ रहे इसलिए जा रहा हूँ। ये सब छोड़िए, आप मुझे भेज कर रहे हैं मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, लगे हाथ वहाँ जा ही रहा हूँ तो पैसे कमा कर वापस। हमारा बजट एकदम टाइट होता है, तुम कोयम्बटूर के लिए निकल रहे हो। क्या कहा, कोयम्बटूर? यस, यानी मैं एसटी बस में बैठ के धक्के खाते हुए जाऊं। बोल रहे थे विटनेस रिलोकेशन प्रोग्राम जैसे यूएस भेज रहे हैं, मेरा ये 270 स्क्वायर फीट का घर ही मेरे लिए बहुत है। अरे बचाने वाले, तुम ही बताओ आखिर मैं क्या करूं अब। एक सॉलिड आइडिया है, आइए चलिए। यू स्टे बैक। यस सर। सर पहली बार मेरी फोटो पेपर में छपेगी, एकदम मस्त होनी चाहिए। अब लाज भी फोटो स्टाइल में खिंचवाएगी। पॉइंट है। कोई बात नहीं, डेडली लुक देता हूं। बिट्टू को मेरे मरने का यकीन हो गया तो मेरी फैमिली को कुछ नहीं करेगा। ऐसे क्रिमिनल कंफ्यूजन प्रोग्राम कहते हैं, कैसा लगा? सुपर। कोयम्बटूर में मेरा बैचमेट सीताराम रहता है, वो मेरा खास दोस्त है। मैंने उससे कहा है कि तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो, तुम उसके साथ ही रह सकते हो, लेकिन अपने कारनामे उसके सामने मत दिखाना, खासकर बिट्टू के बारे में कुछ नहीं। दरअसल वो डरपोकों का बेताज बादशाह है। चोर, पाकिटमार, गुंडे, बदमाश, टपोरी, आतंकवादी, स्मगलर, मर्डरर, अक्यूज्ड। भगवान मैंने आलोक से बचाओ जो 25 साल की सर्विस में आज तक मैंने कभी गन का ट्रिगर नहीं दबाया। बाबा सीताराम लाज राजो। राम राखे गुंडे भागे। सुनिए कॉफी, आपने कहा था स्टेशन से किसी को लेने जाना है, पर आप तो अभी तक घर पर ही हो। अभी सिर्फ 7:30 बजे हैं, मुझे उसे लेने ठीक 8:30 बजे जाना है। ओके। एक्सक्यूज मी, बाथरूम कहाँ पर? राइट साइड। कहाँ, यहाँ पे? हाँ हाँ। ओके थैंक्स। ये कौन है? मुझे क्या पता, घर तो बड़ा अच्छा है। थैंक यू। पौने नौ बजे को मेरे जवानी उछे। रहने दो, मैं खुद आ चुका हूँ। तुम रवि नारायण हो? वन एंड ओनली। आई एम सीताराम, आईपीएस शंकर राव। और मैं स्टोरी सुन चुका हूँ। एड्रेस पता लगा लिया। रवि कॉफी। स्ट्रॉन्ग। श्योर। मिस्टर, ओ क्या बे?
बुलेट ट्रेन जितने फास्ट लगे छे, मेरे साथ आओ, कुछ बात करनी छे। बहुत स्मार्ट लड़का आया है। ये रवि है। हाय। सॉलिड पर्सनालिटी, मोस्ट एलिजिबल बैचलर। अब तक किसी के प्यार में पागल नहीं हुआ, सही बोलूं छू ना? माने लागे हो तो, अगर तुम्हारी सगाई हो चुकी है, अगर इसके साथ नाच तू छे तो सिर्फ ड्रीम सॉन्ग मना चू। डोंट एम्बैरस मी डैडी। ये मेरी बड़ी वाली एम्बैरसिंग है। अच्छा, मस्त है। मन में बोलना बंद करो, क्या कहा सब सुनाई देता है। ओ मारो दामाद पायलट छे, तुम्हें टाइम पास करना तो एक और ऑप्शन है वहाँ। आंटी के साथ? सर आंटी के साथ लफड़ा गया तो आपकी थूतू नहीं होगी? ये मेरी बीवी है ललिता, मैं अपने बेटे की बात कर रहा था। रवि मुझे आंटी मत कहो, जस्ट कॉल मी ललिता। ओके। और वो है चोर। तुम्हें कैसे पता चला? उसने मेरी सेंट की बोतल चुराई है। बायोडेटा, ये जब भी चोरी करता है पकड़ा जाता है, फिर भी करते रहता है, ये इसकी स्पेशलिटी छे। 30 साल से इसे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, फिर भी कामयाब नहीं हुआ। चेन चुराएगा, अभी चेन से ही मारूंगी। होला नीते लाग होल। मम्मी मलेगी, इसलिए मुझे इस पे तरस आ गया और मैंने इसे काम पे रख लिया। जीजा जी, आज सुबह सकाली सब हॉल में। भैया तू बोले तो मैं रेल की पटरी पे खड़ा हो जाऊं। कूल जीजा कूल। शट अप, मैंने कितनी बार कहा कि या क्रिमिनल्स को मत लाया करो। मेरी जीप का टायर पंक्चर हो गया, सोचा कि हम दोनों आपके साथ पुलिस स्टेशन जाएंगे। भैया आप कैसे हो? मस्त, तू बता। मैं एकदम ठीक हूं। भाई सब चाय लेंगे या कॉफी? तू गांडी थई गई, खातिरदारी करेगी चोर की? घर आया मेहमान देवता होता है, एप्पल जूस। ओके, इसने कमिश्नर साहब के बाइकों की चेन चुराई, कुछ बता नहीं रहा। तूने सब कुछ ट्राई करके देखा? हां सगळा। अरे सर, ये नकली पुलिस कौन है? नो 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 नो, ही इज मिस्टर सदानंद, सीनियर इंस्पेक्टर, इंटरोगेशन एंड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। मुजरिम देखते ही सब कुछ भग देते हैं, और ये चोर इतना बड़ा ढीठ है। एक नंबर का, इसे हाथ से मारा, लाठी से मारा, बर्फ पे लटा के बेल्ट से मारा, उल्टा लटकाउन मारला, यहाँ तक कि आंखों में लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, न जाने क्या क्या डाला, अपना मुंह तक नहीं खोला इसने, उल्टा माला शिंगायन लग गया। सर, कमिश्नर ने अपन का पगार नहीं दिया, इसीलिए अपन ने चोरी की। आपने सब कुछ ट्राई किया पर पेन से पेन नहीं दिया। अचानक मेरा सर चकराने लगा है, दिन में तारे दिख रहे हैं। घी, इतना घी, इतना घी खाओगी तो माँ कितनी मोटी हो जाओगी। मेरी माँ मोटी थी। देखा दिकरी, तेरी सौतेली माँ तेरा असली माँ से ज्यादा ध्यान रखती है। है ना जानू? बोल चो। You are not only my wife, you are my life. Life boy. ना कोई मेरी life है और ना कोई boy. Daddy. हैं? पर्दे के पीछे क्यों छुपी है बेटा? बाहर आके बात करने? मैंने पर्दा पहना है डैडी। हैं? बेटा रोड साइड रोमियो ने मंचलों से बच के रहना हो जरा। गारमेंट की इस दुकान को देखेगा कौन? अरे कोई लड़का तेरी वन वे लाइफ में घुसकर उसे टू वे बना देगा, समझी गई ना? ये बता, इतनी चोरियां करता है, आज तक किसी का दिल क्यों नहीं चुराया? एक था टाइगल में, अपने को कतली न थे प्याल हो गया, फिर उसके तक्कल में अपन इतना घन तक्कल हो गया कि अपन का दिल लफु तक्कल हो गया। उसके बाद पता है अपन को कौन पतन आई? तालिया भट। सारी हीरोइने तुझे चाहिए। अबे दाल चावल की औकात और बिरयानी की बात करता है चुंदी चोर। अरे धंधा ले यार, क्या तुझे प्याल का कलंक नहीं लगा? नहीं रे, आज तक ऐसी कोई आंधी नहीं चली जो अपन के दिल के तार। लग गया झटका। ए चमन, देखा वो हंसी तो बिजली चमकी। अले थुन्ना, बिजली मस्त कलक लगी है, लगता है धमके बालित होगी। तू जा छपरा ढूंढ, मैं घर बसाने की प्लानिंग करने जा रहा हूँ। अले लोग, हाय, आई एम रवि, और तुम? मैं
एम से मधु वो तुम जब हंसी थी क्यों सी बिजली चमकी थी उसकी वजह मेरे ये ब्रेसेस हैं। ओ हेलो उतने तो दांतों पर ताल लगा रखा है अगर उसे किस करेगा तो कलंत लग जाएगा हाँ। वही तार तो क्यूट लग रही है क्यूट बोल रहा है विकेट गया तेला नोबल पलाव ते अब तेला कुछ नहीं होने वाला तू तो अब बंगाल में भी नहीं बिकेगा तुम्हारे पापा क्या करते हैं अभी अभी दूसरी शादी की है शौकीन लगता है और माँ ऊपर वाले के पास है ओ सॉरी सौतेली माँ दिन भर मेरी जान खाती है और कोई सवाल लड़की का फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा डामाडोल लगता है ठंडी ठंडी बारिश में गर्मा गर्म चाय हो जाए वहां पे अच्छा कॉफी पी लो चले बारिश बारिश तो रुक गई अब बस आने में अभी थोड़ी देर है तो साथ में चाय पी लेते हैं ना लो बस भी आ गई तेरा नाम तो बता पहचान बढ़ गई है अब तो बता दो मधु तो वो लड़की इतनी सुंदर छे झकास है तो वो जरूर गधेड़ी हती स्मार्टफोन से भी स्मार्ट है सर सलवार सूट वाली या साड़ी वाली मॉडर्न वेस्टर्न कपड़े भी पहनती है सर यानी पूरी मेकअप की दुकान है हैं चढ़ गई है क्या कब से मधु की बुराई कर रहे हैं खुद को अंतर्यामी समझते हैं क्या फ्री की दारू नहीं पिला रहे होते तो चकने की तरफ पीस देता ए वो चला गया तू भी जाके सो जा सुबह से बस स्टॉप पर खड़े हो और कोई काम नहीं है क्या काम तो बहुत सारे हैं पर सॉफ्टवेयर में जॉब्स नहीं है रियल एस्टेट की बैंड बजी हुई है कंस्ट्रक्शन में अच्छी सैलरी नहीं मिलती है जल्दी जल्दी में अगर कोई भी नौकरी कर ली ना 5 साल बाद मेरा वो हश्र होगा और 10 साल बाद वैसा बस आने में भी देर है एक कटिंग हो जाए पर ये बस तुम्हारे ऑफिस नहीं जाती है मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ शॉपिंग की सौदेबाजी में मेरे दिल का क्या होगा कुछ बातें बिना कहीं समझ लेनी चाहिए यस अरे यार दिखावे पे मत जाओ थोड़ी अपनी भी अकल लगाओ हम ये बताएंगे कि मेरी बीवी एक नंबर की घटिया औरत है की बोलचो स्टोरी फिर उसको घटिया से अच्छी बनाने में 50 एपिसोड और निकल जाएंगे आशु ये एक्सचेंज ऑफर की तरह मेरी बेटी एक्सचेंज हो गई अब कपड़ों पे कितना पैसा लुटाया तुमने अब 230 रुपए 25 पैसा तो रवि तुमने 50,000 की शॉपिंग कर ली बिल कैसे भरा मैंने कहां भरा तो तुम्हें जाने कैसे दिया
जानती हो मैं कौन हूँ? एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस सीताराम ठाकुर का रिश्तेदार। अच्छा, तुम्हें मेरा नाम सुनकर जाने दिया? तो वो खुद आके बिल भर देंगे। तो बिल मारे नाम से फाड़ से जीएसटी के साथ। आराम से बीपी हाई हो जाएगा। बस करो, बस करो। तुम्हारे कितने पैसे गए? पूरे 10 लाख। मेरे 50 लाख गए। तुम्हारे चिल्लाने से पैसे वापस आ जाएंगे। उन्हें जल्दी पकड़ो वरना तुम्हारे और मेरे कपड़े फट जाएंगे। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट सर। जिस दिन बैंक में लूट हुई उस रात बिट्टू के गैंग के 2 आदमियों ने सिग्नल जंप किया था। सीसीटीवी कैमरा में उनकी फोटोज भी कैप्चर हुई। हमने उनकी और बिट्टू की सभी फोटोज सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दी। आज इसका प्रेस रिलीज भी कर रहे हैं। हमारे इरादे पूरी तरह से साफ हैं। हम मुजरिमों को पकड़ कर ही दम लेंगे। मेरे साथ प्रेस मीट में आकर सबको हाय बोल देते। पासपोर्ट और वीजा मिलते ही शहर को छोड़ दूंगा। मूर्ति, इनके डॉक्यूमेंट्स जल्दी बनवाओ वरना मेरे फार्म हाउस को ही अपना गेस्ट हाउस बना लेंगे। नकली पासपोर्ट बनाना चुटकी बजाने जैसा काम नहीं है सर। वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं। कम से कम उन्हें अपनी फोटो, जाली नाम और एड्रेस ये सब तो भेजना चाहिए ना। मूर्ति को तुम सबकी फोटो चाहिए, जल्दी भेजो, काम हो जाएगा। नाम सत्तार, हाइट 6 फीट। तुम्हारी फोटो उसको भेज दी है, वो तुम्हें देखते ही पहचान लेगा। वो तुम्हें लिफाफा देगा, लेकर मेरे पास आना। टारगेट सामने है, सब लोग रेडी रहो। माइक टू कॉलिंग, वी नीड बैकअप। स्कूल की एक बच्ची को किडनैप किया उसने। पुलिस ने तुम्हें घेर रखा है, तुम बचकर नहीं जा सकते। मुझे यहाँ से जाने दो वरना इस लड़की को शूट कर दूंगा। नको, हमने सीनियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया है, वो यहाँ आ रहे हैं। चुपका सर, कृपया कोई गलत कदम मत उठाना। सर, व्हाट इज द सिचुएशन? सिचुएशन खूब गंभीर है सर। ये तो अब तक जिंदा है। बापू, आपने उसकी खोपड़ी उड़ा दी। मैंने शूट कर दिया। कैसे सर? मैंने कैसे शूट किया पता नहीं। चश्मा उतारो, एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे हैं। तुम शूट करना जानते हो? गोली चलाना गोटी खेलने जैसा ही है। दोनों के लिए एक उंगली और अच्छा निशाना चाहिए। उसके बाद मुजरिम सीधा जेल जाता है, ये भी तो पता होगा ना। टॉयलेट के बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए एसिड की जरूरत पड़ती है, परफ्यूम की नहीं सर। जब सुन लिया वो मारने की धमकी दे रहा है तो उसे ही मरना चाहिए ना, इसलिए उड़ा डाला चूजे को। साले साहब, इसका किसी लड़की से जल्दी से रिश्ता करा और यहाँ से फुटा। सर, ये अचानक से क्या हो गया? ये अचानक हुआ इनकाउंटर है जो अचानक से हुआ, और इसकी अचानक खबर मुझे अचानक से मिली है। सब अचानक से हट जाओ। क्या बात है, ऐसे बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? इसने उसको मेरे सामने शूट कर दिया, मारी धड़कन तक थम ही गई हो। बातें करते करते इसने बंदूक निकाल के गोली चला दी, पागल है ये। अब तो पक्का है कि मुझे प्रेसिडेंट का ब्रेवरी अवार्ड मिलकर रहेगा। तो रो क्यों रहे हो? प्रेसिडेंट अवार्ड मिलना तो खुशी की बात है ना। वो तुम्हें विधवा होने के बाद मिलेगा, सफेद साड़ी पहन कर। अरे बाप रे, मरी गयो रे, मरी गयो रे। रवि, वहाँ क्या हुआ था, डिटेल में बताओ। अरे खुश नहीं, एक गुंडा था, वो एक बच्ची के हाथ कांप रहे हैं। चलो एक एक हो जाए। अभी तो इससे नाराज थे, अभी इससे प्यार से बात करो। साले साहब, इसे समझाओ। हाँ समझाओ। भूत का डेंजर सिनेमा जो देखते हैं ना, वो थर थर कांपते हैं। सही कहा। मतलब ये नहीं कि भूत का सिनेमा देखना ही छोड़ दो, इनकी टल्ली दोस्ती भी इसी तरह है छोटी। आगे से तेरा पति जब भी लड़ेगा, डरेगा या पिएगा तो रवि के साथ ही। चीयर्स बोलने का लगा। पहले संगचना। हाँ तुम भी जाओ। अपुन तेरे को बोला था ना, वो मुंह नहीं खोलेगा। हमारी ट्रैवल एजेंसी इंडिया की नंबर 1 ट्रैवल एजेंसी है। 20 साल से हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इंडिया के हर शहर में हमारा ऑफिस है और कुल 420 लोग हमारे लिए काम करते हैं। एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेस टाइकून, आइटम गर्ल्स, बार डांसर। ये अंदर कमेंट्री कौन कर रहा है? उस दिन तुमने इनकाउंटर करके जीजा को हीरो बनाया ना, तेरा परिणाम। वो तो मेरा स्टाइल था सर। सत्तार की लाश के पास ट्रैवल मूर्ति के ऑफिस के पेपर मिले। जिंदगी में पहली बार जीजा को खुद इंक्वायरी करनी पड़ रही है। अच्छा, जास्ते खुश न को, मूर्ति जीजा की खबर ले रहा है। देखो भीगी बिल्ली बने हुए। इस तरह हमारे बारे में सोचना ठीक बात नहीं है।
रोज हजारों लोग भेड़ बकरियों की तरह पासपोर्ट बनवाने आते हैं मेरे पास। उनमें से हीरो कौन है, विलन कौन है, मुझे क्या पता। खुद को छोड़ा समझता है, आईपीएस ऑफिसर के ऊपर ऐसे चिल्ला रहा है जैसे वो कोई धोखाड़ी के वॉचमैन हो। उसका भेजा फ्राई है म्हणून भूमतो है। अब तो मेरा भी भेजा फ्राई हो रहा है, उसके आदमियों को मारता हूँ। वो मुझे दो, जा फोड़। ये लो। अरे बाप रे, आज इसने पिन का दूसरा इस्तेमाल भी बता दिया। ये क्या हो रहा है, कौन है और ये इसे मार क्यों रहा है? मुजरिम को मारने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। करेक्ट। ये तो मेरे साथ यहाँ आए, लेकिन तेरे साथ वापस नहीं जाएगी। ये तो अन्याय है। बेचारा फ्रस्ट्रेट है यार, उसकी बाइक खो गई है, गुस्सा निकाल रहा है। अच्छा, तो ऐसे बाइक मिल जाएगी? फ्रस्ट्रेशन तो निकल जाएगी। है? फिर से शुरू हो गया, अब किस लिए? फ्रस्ट्रेशन सर, बेचारे की बाइक खो गई है, किसी ने कंप्लेंट फाइल नहीं की। रोको, फिर ले आ जाए तो अंदर भेजना। देखिए ये मेरे आदमियों को बेवजह मार रहा है। ख्याल रखो। रवि रख लेगा सर। रवि तुम्हें संभाल लेगा। मैं सब समझ गया सर, वो मेरे आदमियों को मार रहा है और आप उसका साथ दे रहे हैं। सर तूने मेरे लड़कों को मारा, अब दिखाता हूं मैं कौन हूं। अगर मैंने तुझे देख लिया ना तो तू खुद को नहीं देख पाएगा। अब और क्या दिखाना बाकी रह गया है? पुलिस स्टेशन को क्रिकेट का मैदान बना के रख दिए। मूर्ति, ये पासपोर्ट अभी तक क्यों नहीं तैयार हुए? सत्तार के पास वाला लेटर हेड पुलिस को मिल गया है और अब पुलिस वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं क्या करूं? कोई तो जानबूझकर मेरे पीछे पड़ा है, वो है कौन? बिट्टू, इसकी फोटो यहाँ पर क्यों सर? क्या तुम इसे जानते हो? अरे मैंने ही तो इसकी कुंडली खराब की है, वो जेल से भागा था, मुझे यहाँ भेज दिया। 1500 करोड़ टू जैकपॉट, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा आठ है ना। अगर साबित कर दे कि बिट्टू का जाली पासपोर्ट वही बना रहा है तो फिर डीजीपी क्या करेगा? फिर वो क्या करेगा, सुबह उठकर वॉक पर जाएगा और वैसे ही शाम को क्लब में बैठकर पत्ते खेलेगा। सबूत ढूंढना कोई बच्चे का खेल है? आसान है सर, ट्रैवल मूर्ति के ऑफिस में मधु काम करती है। हाँ तो मधु के की कार्ड से हम पता लगा सकते हैं कि मूर्ति बिट्टू को कहाँ भेज रहा है। अगर हमें उसके ट्रैवल से जुड़े डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मिल गए तो दोनों को अरेस्ट कर सकते हैं। पर मधु तुम्हें ये कार्ड कैसे देगी? एक वाटर टैंक और 2 ब्लूटूथ चाहिए, उसके बाद मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करेगी। हाँ ऑफिस जा रही हूँ। Come on, cheers. आज जब तक हमारी चाय खत्म नहीं होगी ना तो ये बारिश रुकेगी ना तुम्हारी बस आएगी। बस को तो रोक दिया है लेकिन 10 मिनट से ज्यादा नहीं रोक पाएंगे। ओके सर, ये बस आपने क्यों रोकी? अंदर आने के लिए, ये पुलिस ड्रिल है। वो किस लिए? फॉर पब्लिक सेफ्टी। अब आप सब प्लीज कोऑपरेट कीजिए, ये खतरनाक टेररिस्ट छे। बैठ जाओ रे। ये देखो बॉम्ब, इस बटन को दबाते ही बॉम्ब फटेगा और बस के चिथड़े उड़ जाएंगे। सब लोग अपने अपने मोबाइल फोन फेंको, चलो जल्दी करो। इसका मतलब इसके ऊपर नहीं, बाहर फेंको। अब ये टेररिस्ट का रोल नहीं कर रहा, ये एक चोर है। बस को जलाने की धमकी दे रहा है, कहता है चाकू से छीलूंगा। बताओ क्या करेंगे? ये कुल्हाड़ी क्यों ले आया? पहले इसका हाथ काटूंगा फिर आग बुझाऊंगा। अबे फू, आग को फूंक मारो और चोर को पुलिस के पास ले जाओ। इतनी होशियारी मत दिखाओ, अब जाओ यहाँ से। ड्राइवर, नेक्स्ट स्टॉप कमिश्नर डॉटर सिटी। उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई क्या? मुझे पंक्चर मत कर। लाल जैकेट पहना हुआ एक आदमी उसकी मदद कर रहा है, बस तभी स्टार्ट करना जब वो कहे। वो पता नहीं क्या कहेगी, तू चल रहा। बारिश रुको रुको, रुक जाओ। और बस? मैंने कहा था ना तुम्हारी बस नहीं आने वाली है। ऐसा क्यों? अरे जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। सच में? ऑफ कोर्स। अब अपनी आंखें बंद करो और बस के आने की राह देखो, बस आ जाएगी। अगर आम लोग ही इतने डेंजर होंगे तर मैं क्रिमिनल्स से बेचारे से काय होना रहा। क्या पता मैं ऐसे लोगों से दूर रहा हूँ। अब मेरा बस में जाने का मन नहीं कर रहा। बस में जाने का मन नहीं है, बस में जाने का मन नहीं है, चल निकल। देखा, तुम्हारी बस वाली इच्छा भी पूरी हो गई। देखी हमारी पावर। काहे की पावर रवि, उस बस को रोकने के लिए मुझे अपने साले को आतंकवादी बनाना पड़ा। ठीक है,
तो अब बताओ कौन सी सवारी पसंद करोगी? मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ बाइक पर जाना चाहती हूँ। ठीक है, बाइक अभी हाजिर हो जाएगी। बाइक चाहिए? ये कोई बच्चों की टॉफी है जो दुकान से खरीद लाऊं? जीजा जी, उसको बोल देना कलर का प्रॉमिस ना करे। ये क्या, सिर्फ 10 रुपए? सॉरी पंडित जी, छुट्टा नहीं है। अरे तो 500 का नया और कड़क नोट दो, अभी नींबू मिर्च लगाता हूँ ताकि गाड़ी एकदम स्मूथ चले और ट्रैफिक हवलदार तुझे कभी छू भी ना सके। मस्त लूटते हो। आशीर्वाद को लूटना बोलता है। हाँ पंडित जी, सब ठीक ठाक? आरसी बुक इंश्योरेंस पेपर पीयूसी है क्या? हाँ है ना सर। दिखाओ। अगर ये आरसी बुक वापस चाहिए ना तो अगली सड़क पर तुम्हें एक लाल जैकेट पहना लंबा चौड़ा हैंडसम लड़का दिखेगा। अपनी ये बाइक उसको दे देना और पेपर्स लेने कल पुलिस स्टेशन आ जाना। मेरी बाइक सरकारी प्रॉपर्टी है क्या? बहस कर रहा है तू? इंस्पेक्टर, इसकी चार्जशीट भराओ और इसकी बाइक में बॉम्ब पाया गया ऐसा लिख दो। उसके बाद इसकी बाइक के सारे स्पेयर पार्ट्स निकालो और इसे खाली चाबी दे दो। ओके सर। डबल लॉक क्या गलत है? ये सारा सामान अकेले उठा नहीं पाएगा, इसलिए मोटर अपने पास रखना और साइकिल इस कंजूस मक्खी चूस को देना। 10 रुपए दे रहा है। सर, उसकी जैकेट का कलर क्या पता था? लाल। बाइक। बाइक? एक्सक्यूज मी, क्या आप ही ने बाइक का ऑर्डर दिया था? या। मुबारक हो। ओह माय गॉड। ये चल रहे। हैप्पी। यस। और कोई इच्छा मैडम? अगर अभी बारिश हो जाए तो मजा आ जाए। क्या कहा? फिर से बारिश करवानी है? नहीं 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 नहीं, टैंकर पैर पकड़ के भाग गए। अरे बारिश क्या, अब तो सुनामी लाऊंगा। See you tomorrow. Bye. Bye. Hey, चमेली का तेल क्यों? अरे तेल नहीं है, ऐसी दे। क्यों? टॉयलेट साफ करना है। इतने लोहा तातूंगा। और ये किस लिए? वेल्डिंग। वो लोहा जोलना भी पड़ेगा ना। रात को बहुत ऊन है क्या, जो ये गॉगल पहना है? वेल्डिंग थे आँखों को बताने के लिए। ये किस लिए? ग्लव्स, सेफ्टी। अच्छा, ये क्या छोटा बॉम्ब है? नहीं नहीं, ट्विंगम कशला स्टाइल के लिए है। अच्छे प्लानिंग। हाँ तभी बोला टीचर है। क्यों अंदर चले? मधु की टिकट? कोई लीड मिली क्या? यहाँ से मधु और बिट्टू की दुबई वाया मुंबई की 2 टिकट्स बुक की गई हैं। मतलब मधु भी इनके साथ बैंक रॉबरी में शामिल थी? नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो इतनी मासूम है कि नकली बारिश को असली समझकर खुश हो जाती है। वो और चोरी नहीं, नहीं चांस ही नहीं है। ट्रैवल्स मूर्ति को अरेस्ट करके उसका मुंह खुलवाना पड़ेगा। सर अगर आपने ट्रैवल मूर्ति को अरेस्ट किया तो बिट्टू हाथ से निकल जाएगा। पहले हमें बिट्टू को पकड़ना होगा और बिट्टू तक ट्रैवल मूर्ति ही पहुँचाएगा। करेक्ट, हमें उसके ऑफिस पर नजर रखनी होगी। कल जब बिट्टू आएगा तो दोनों को एक साथ अरेस्ट करेंगे। पुलिस के नहीं, मेरे स्टाइल से करूंगा। हा? चलो यहाँ से। पिज्जा सर। पिज्जा? मैंने तो पिज्जा मंगा। तुम? मेरा पासपोर्ट। एक मिनट, तुम्हारी बीवी को ब्रेन कैंसर है और वो लास्ट स्टेज पर है। सिक्योरिटी चेक के दौरान सबकी हमदर्दी मिलेगी। 3 बजे की मुंबई की फ्लाइट है, फिर वहां से दुबई। ये रेंट टिकट्स। मेरी बीवी कौन है? मैंने कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। ये बाइक किसकी है? पिज्जा किसने मंगाया है? ज़ूम करना। पिज्जा बॉक्स में पैंट क्या कर रही है? कार गेट से निकल चुकी है सर। सर बिट्टू डिलीवरी बॉय। एक्सक्यूज मी, मधु कहाँ पे? एक आदमी उसको हॉस्पिटल लेकर गया है। उसके साथ पिज्जा वाला था? हाँ वही। रुको रवि रुको, मैं भी आ रहा हूँ। गाड़ी रोक दे।
यहाँ गाड़ी क्यों रुकवाई बिट्टू? हमें तो राइट जाना था ना। तेरा काम सिर्फ मुझे पासपोर्ट देना था, क्या करना है क्या नहीं ये सब मुझ पर छोड़ दे। मगर दुबई जाने के लिए मैं मदुरई से भी जा सकता हूँ, आज रात ही यहाँ से मदुरई की फ्लाइट लूंगा। हमें राइट जाना है, तू एसु करेच। मैंने एयरपोर्ट के जाने वाले सभी रास्तों पे नाकाबंदी करवा दी। वो एयरपोर्ट नहीं गया होगा सर। वो जिस कार में है हम उसे आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। हेलो कंट्रोल रूम, दिस इज माइक 3, ब्लैक मर्सिडीज नंबर 444। इस कार को तुरंत ट्रेस करो। वो चेन्नई हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेफ्ट फ्लोर में पकड़ सकते हैं। नहीं सर, बैंक लूटने के बाद भी उसने पुलिस को इसी तरह भड़काया था, आज भी वो बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। थोड़ी पुलिस को एयरपोर्ट पर भिजवा दिया और थोड़ी पुलिस को इस चेन्नई हाईवे पर। हो ना हो जरूर मदुरई जा रहा है सर। तुम ये कैसे कह सकते हो? बस 5 मिनट दे दो सर, 5 मिनट बाद वो सब बक देगा। तुम्हारा तीर निशाने पर कैसे लगा? Hey, don't shoot! मैं पुलिस वाला हूँ, पुलिस वाला। बाकी सारे पुलिस वालों को तो मैंने चकमा दे दिया, लेकिन इससे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? वजह से तू मुझे मारना चाहता था? इतनी हिम्मत हो गई तेरी? जिस तरह तूने मेरे भाई को मारा, तुझे लगा कि तू उसी तरह मुझे भी मार देगा? नहीं रे, उससे भी बुरी मौत दूंगा तुझे, ये मेरी गारंटी है। मैंने तेरा मौत के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया है, बस तुझे यहाँ से ले जाना बाकी है। अबे तू क्या यमराज है जो मुझे लेने आया है? तेरी कुंडली पर अब मैं राहु बनकर बैठूंगा, अपने परिवार वालों का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो जा। परिवार की क्या बात करता है बे?
तेरे पास जो लड़की है वो मेरी जान है। तेरी बंदूक में 10 गोलियां हैं, एक भी उसे लगी तो उससे पहले तेरी लाश यहाँ बेची हुई होगी। ए, उड़ा दूं कैसे? ए, बोला ना उसको कुछ नहीं होना चाहिए। अबे दम है तो मुझ पे गोली चला, चला गोली, नहीं तो मैं तुझे उड़ाता हूँ। बोल उड़ा दूं क्या तुझे? बोल बोल उड़ाऊ। पति ओवर एंड आउट, मर गए हो। रवि, मधु, बच गया। हेलो, बच गया मैं। पूरी फोर्स को यहाँ बुलाओ, जितने बचे सबको यहाँ ले आओ। जल्दी करो बापू। मधु, मधु सर प्लीज एम्बुलेंस बुलाइए। एम्बुलेंस भेजो, जल्दी एम्बुलेंस भेजो बापू। वो लोग मुझे बीच रास्ते में उतार के चले गए, जल्दी कोई गाड़ी भेजो ना। बिट्टू ने मधुला किडनैप का केला? पता नहीं। आर यू ओके रवि? बिट्टू पकड़ा गया? नो सर, रेड अलर्ट जारी किया है। गॉड डैम इट, क्या बिट्टू ने तुम्हें देखा? तुम्हारा यहां रहना सेफ नहीं है रवि, हमें तुम्हें ऐसी जगह ले जाना होगा जहां किसी को भी तुम्हारा पता ना चले। वी हैव टू शिफ्ट योर बेस इमीडिएटली। कहां सर? तिरुची में या मदुराई में? सर एक चीज मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है, आमतौर पर चोर भागता है और पुलिस पीछा करती है, लेकिन यहां सब उल्टा है। चोर मेरे पीछे है और मुझे पुलिस की मदद करने के लिए छुपना पड़ रहा है। पुलिस को भी टाइम चाहिए होता है। कितना टाइम सर, कितना टाइम चाहिए? 15 मिनट में मैंने उसे पकड़ लिया था। सुबह होने से पहले वो भाग गया, फिर से उसे रास्ते में भी रोका, फिर भी आप लोग उसे पकड़ नहीं पाए। मुझे नाकाम होना पसंद नहीं है, इसलिए मेरा पारा बहुत ऊपर चढ़ गया है। अगर वो पाताल में भी छुपा होगा तब भी मैं उसे ढूंढ के उसका शिकार करूंगा। रवि नारायण का नाम सुनते उसकी पैंट गीली हो जानी चाहिए। अगर फिर से उसका और मेरा सामना हुआ तो पोस्टमार्टम के लिए आपको उसकी लाश तक नहीं मिलेगी। एक आखिरी बात सुन लीजिए, मैं यही रहूंगा, पेपर में मेरा पता छाप देना, देखते हैं वो बचता है कि मैं बचता। कविता, तुझे हाँ पता चला कुछ? क्या? पुलिस डिपार्टमेंट ने इस लड़की की मदद से एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया था। रियली? इसके ऑफिस के आसपास कई सारे कैमरास लगे थे, इसको पता ही नहीं चला और पुलिस ने इतनी बढ़िया प्लानिंग कर ली। कैमरा? पता है तेरे पापा ने और रवि ने ये सब प्लान किया था? रवि ने तो सोच ही लिया था आर्या पार, वो तो बिट्टू को जेल में डालने वाला था। इसकी किस्मत अच्छी है कि ये बच गई, वरना रवि ने जो प्लानिंग की थी उसके हिसाब से तो पृथ्वीवासी से नरकवासी बन जाती। रवि का क्या दिमाग चलता है। तुम्हारा लग बहुत अच्छा है, बिल्कुल तुम्हारे फेवर में। तुम जैसी ही किडनैप हुई ठीक तभी रवि तुम्हारे ऑफिस आ गया। हुँ? और देखो मैं बाहर गाड़ी में बैठकर सारी प्लानिंग कर रहा था। What a coincidence! मधु कैसी सर? दांत में दर्द है क्या? नहीं रवि, बात मैं मिल के आता। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। एक पे एक फ्री मिला। यहाँ का इंटीरियर तो बहुत अच्छा है। ये लोग गाल पकड़े हुए क्यों हैं? लगता है दांत सड़ गए हैं। ए मोटा भाई, मेरी दिकरी कहाँ है? ये साइलेंट मूवी के एक्टर हैं क्या? पता नहीं। सुनो रवि। क्या हुआ सर? तुम्हें एक तो टैलेंटेड छो, तो बिट्टू से लड़ क्यों रहे हो? मैं उससे थोड़ी लड़ता हूँ सर। वो बार बार मुझसे लड़ने आता है। वो लड़ने आता है तो तू लड़ाई वाड़ो तो कशाला, अपने परिवार का सोचो, त्याला विसरो। तो तुम करना क्या चाहते हो? पकड़ो। वेरी सिंपल सर। टूटी कौड़ी भी नहीं मिली, लाला भी मारा गया। अगर रवि की अगली चाल में हम फंस गए तो हमारा भी वही। अगर ये तेरे भेजे में घुसा दूं तो तेरा सारा डर बाहर आ जाएगा। मेरे 3 गोल हैं। गोल नंबर 1,
फैमिली, अपने पापा मम्मी और बहन को यहाँ बुलाकर सेव करना। लिस्ट देखिए ना, नंबर वन रवि की फैमिली को खत्म करना। गोल नंबर टू, मधु उसे जैसे तैसे मना कर उससे शादी करना। नंबर टू रवि को खत्म करना। गोल नंबर थ्री, बिट्टू इससे बहुत पक गया हूँ सर, इसको तो उड़ाई डालूंगा। तुम ये सब कैसे कर पाओगे? जो जबरदस्त प्लान बनाए वो शाना, जो उस प्लान को एक्शन मिला है वो डेढ़ शाना। नंबर थ्री, इंडिया से हमेशा के लिए भाग जाना। अब अगर कभी मेरा दिमाग घुमाया तो तेरा गेम ओवर। उसके बाद मेरा गोल नंबर फोर तो ही होगा। पापा। हाँ बोल। सारी तैयारी हो गई? हाँ, बस स्टेशन के लिए निकल रहे हैं। टैक्सी लेकर सीधा स्टेशन पहुंचना। टैक्सी में ज्यादा पैसे लगते हैं, हम बस से आ जाएंगे। पापा आप ऐसे वक्त पे तो कंजूसी मत कीजिए। बेटा टिकट रख ली ना? हाँ रख ली पापा। टैक्सी बुलाकर ट्रेन में भेजना, हाँ कुटला प्लान। बिट्टू के आदमी मेरे घर जाएंगे, वहाँ उन्हें घर बंद मिलेगा, फिर वो जाएंगे पड़ोसियों के पास। हम तो सिर्फ पड़ोसी हैं, ताका झाकी करना तो हमारा काम है। अब आखिर हैं तो गुंडे ही, गुंडा कर दे तो बनती है। एक बैग और दो सूटकेस लेकर जा रहे थे, मैंने उन्हें स्टेशन जाते हुए देखा। उनकी ट्रेन का नाम चेरन एक्सप्रेस है। अब मैं जाऊँ क्या? गैस पे रखा तो दुबल जाएगा। हाँ बोलो। स्टेशन पहुँच गए क्या? नहीं, पर यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो 10 मिनट में स्टेशन आ जाएगा। तो राइट लो और सीधा हाईवे पर जाओ, उसी टैक्सी से कोयम्बटूर आ जाओ। क्या टैक्सी से कोयम्बटूर? हाँ पापा। इसमें मेरी 15 दिन की कमाई चली जाएगी। अरे नहीं जाएगी, अपने सीताराम सर है ना, सारा खर्चा वो उठाएंगे। मैं? आखिर मैं क्यों दूं? बेटा गाड़ी सीधा कोयम्बटूर ले लो। अब वक्त है एंटी क्लाइमेक्स का। है? बिट्टू के आदमी रेलवे स्टेशन पर मेरे परिवार वालों को ढूंढ रहे होंगे। और ढूंढते रह जाएंगे। अरे अब तुम्हारी फैमिली सेफ छे, यानी तुम्हारा अगला टारगेट बिट्टू। आप भी ना सर, टल्ली होकर पूरा ऑर्डर ही भूल गए। इसका ऑर्डर? गोल नंबर टू, माय डार्लिंग मधु। हाय। तुम्हें अरे मधु नाराज क्यों हो रही हो? तुमने मुझे झूठ बोला और मेरा इस्तेमाल किया और पूछते हो मैं नाराज क्यों? कुछ भी बोले जा रही हो, कोई सुनेगा तो गलत समझेगा। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे फसाया तुमने, धोखेबाज। सर आप ही बताइए, तुम उठो। इस बहन जी को मैंने इतनी मेहनत से मॉडर्न बनाया, क्यों? क्योंकि इससे प्यार करता हूँ प्यार। देखा, अब हर कोई इसे पलट पलट के देखता है। जानते हो मैं कैसे सपने देखने लगी थी? सपने? कैसे सपने? हमारी शादी होगी, बॉबी बबलू नाम रखेंगे दो बच्चों का, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह होंगे। और तीसरी बच्ची तुम्हारी तरह हुई तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। नो नो नो, दोनों लड़के ही होंगे। अरे तुम बैठो, तीसरी लड़की चाहिए। हे नो वे, दोनों लड़के होंगे। तुम चुप करो, सर बताएंगे। हाँ सर आप बताइए कितने होंगे। चेक। हेलो 1 2 3। खाते वक्त मशीन जेब में रखता हूँ ताकि डिस्टरबेंस ना हो। मेरे सुनने का थोड़ा लोचा है, बट आई एम वेरी गुड लिसनर यू नो। अब बताओ भाई बहन में क्या लोचा चल रहा है? कुछ नहीं सुना, पर मधु लगता है बहन ज्यादा ही नाराज है। मधु मधु, अरे मधु मेरी बात तो सुनो यार। ऑटो। मधु ऑटो क्यों बुला रही हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ना। हाँ ओके, तो क्या तुम वही बाइक उसी कलर की इसी वक्त यहाँ पर ला सकते हो? लो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। मधु आपको ये बाइक चाहिए ना सर? जाना यहाँ से, चल। ओ तो आप उस तरफ जा रहे हैं? ओए, है? उस दिन तुमने अपनी बाइक क्यों दी थी? उस दिन मुझे पिछली गली में दो पुलिस वाले मिले थे और उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपनी बाइक आपको नहीं दी तो वो मेरी बाइक के पुर्जे बेचकर चाबी मेरे हाथ में दे देंगे। मैडम पूरी पोल खोल दी। चाबी लीजिए। मधु मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है मधु। मैं हे यू, अगर उस दिन बारिश नहीं होती ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करती, ना ही तुम्हारे साथ चाय पीती। पुत्री ये वाटर टैंक पीछे कहाँ से आ गया? अब तुम खुद से बात क्यों कर रहे हो? क्या बारिश भी प्लान थी?
बारिश को कोई कैसे प्लान कर सकता है मधु? हे, मुझे सच सच बताओ। क्या बोलूं? ओह गॉड, मेरे चाहते ही तुमने बारिश कैसे करवा दी? टैंकर से। रुको, अरे दो मिनट शांति, उसके बाद क्रांति। मधु, मधु, ये क्या बचपना है? ए, तू मुझे जानती नहीं हो क्या? हाँ, मैं तुम्हें नहीं जानती, और मैं ये भी नहीं जानती कि तुम्हारा प्यार सच्चा है या झूठा। क्या मधु, मान जाओ ना। नो, हु आर यू? ऐसे नहीं मानोगी तो अपने बारे में सब कुछ बताता हूँ, ए टू जेड। मेरा नाम है रवि, बाबू का नाम है नारायण मूर्ति, मम्मी का नाम है कामेश्वरी, बहन का नाम है रानी। रानी? पापा भी? ए रवि, पिछले 3 घंटों से भटक रहे हैं, लेकिन कोई भी हमें सीताराम का सही पता बता ही नहीं रहा है। मधु, ये मेरे मम्मी डैडी हैं। क्या टाइमिंग है बिड़ू, तू भी एकदम रैप्चिक है। उस गाड़ी में नौटंकी बाजों को छुपाया था। मधु, ये सच में मेरी असली फैमिली है। तो तुम सब ड्रामा आर्टिस्ट हो क्या? अरे कौन है ये बदतमीज लड़की? पापा, ये बुढ़ाओ तेरा बाप है, थोबड़ा तो बिल्कुल नहीं मिलता। मेरा बेटा मुझ पर गया है। मम्मी का कैरेक्टर घरेलू टाइप है, बापू का रोल करने वाला थोड़ा विलन टाइप का है। मैं विलन? बोले तो शाकार, शक्ल से सी ग्रेड एक्टर है। भैया कौन है ये? हमारी बेइज्जती कर रही है। इस सीन में तेरा डायलॉग नहीं है। नो बग बग, अबे तेरी तो। थर्ड ग्रेड एक्टर पे क्या टाइम खोटी करने का? चल बस कर तेरी ओवर एक्टिंग, जितने पैसे लिए बस उतनी ही नौटंकी कर। पैसे लिए? वनटास की गोली ले और निकल, फोकट में आए हैं क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। बस करो रवि, माना मेरे बेटे में 100 ऐब हैं, पर वो ऐसा भी नहीं है कि अपने माँ बाप बदल दे। तुम चाहे मानो या ना मानो, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है और ये मेरी बीवी। हम कोई ड्रामा वाले नहीं है। आगे जाके मेरे बेटे ने तुमसे शादी की तो ये तुम्हारी ननद बनेगी और तुम्हारी खाल उधेड़ देगी। ये जितनी दिखती है ना, उतनी शांत नहीं है, ये राक्षस है। अरे सीताराम का घर कहाँ है आप बताओ ना। सीधा जाके राइट जाना। हम तो राइट ले लेंगे, तू रॉन्ग मत चले जाना। क्या वो तुम्हारे असली मम्मी पापा थे? तेरी? अरे तुम बार बार झूठ बोलोगे तो हर सच भी झूठी लगेगा। अरे मधु। पापा क्या हुआ दिख रही? पापा। अरे क्या हुआ, कुछ बोल तो खरे, ये गधेड़ा तेरे को परेशान कर रहा है। हाँ पापा। ए कौन है तू? मेरे दरवाजे तक आने की हिम्मत कैसे हुई? तू ही अमा की जानिश ना, मेरी मार से ये भी डरते हैं। प्यार से मारे तो 1 किलो का और गुस्से से मारे तो 2.5 किलो का हाथ है। बट आई लव माई वाइफ। एक्सक्यूज मी आंटी, थोड़ा सा नारियल का तेल मिलेगा? नारियल का तेल? धूप में अक्सर लोग पीने का पानी मांगते हैं, ये नारियल का तेल मांग रहा है। लगता है इसका मालिश का धंधा है। शांति रखो। ए मां माता जी, नारियल तेल खत्म करेगा अपना खेल। हो गई मालिश। आंटी अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। आइंदा मधु को जरा भी टॉर्चर किया ना तो और ऊपर पहुंचा दूंगा। हाँ भाई। क्या बोल रहा था रे? आई लव माय वाइफ, आई लव माय वाइफ, आई लव माय वाइफ, सही में। अगर मुझे पता चला तूने मधु को जरा भी सताया है तो इसी बंदूक से इतने छेद कर दूंगा कि मच्छरदानी बन जाएगा। मधु, आई लव यू। सॉरी, गन भी इमोशनल हो गई। एनीवे, बाय, कॉल मी। गोल नंबर 3, बिट्टू। बिट्टू को पकड़ने के लिए ट्रैवल मूर्ति को जेल से रिहा करना जरूरी है, और उसे बाहर निकालने के लिए हमें अपने पालतू चोर को अंदर भेजना होगा। सीधा खड़ा रहे, पैंट फाटेल। मैंने ब्रूस ली की एंटर द ड्रैगन 50 बार पाई लिए। उसका डायलेक्ट कल में ही था। हेलो बॉट, किडनैपिंग या मर्डर? कुछ नहीं, ट्रैवल्स। झूठे केस में मुझे अंदर डाल दिया। ये रहा मिला हथियार। जास्ती मेहनत मत कर, दूसरी तरफ सेंट्रल जेल है। इंस्पेक्टर कम हियर। तेरे बाप का नौकर हूँ क्या? थौ पेपर दस पेन आइए। चला बायोग्राफी लिखनी है, अपनी कहानी अपनी दुबानी। आए जमाना आला है,
तेरी इतनी धुलाई करूंगा ना कि सैड सॉन्ग सुनने के लायक नहीं रहेगा। ए, दे दो इसे वरना कान खाएगा। दलोगा साहब आता काय है? याना जगण मुश्किल केले काय झालं? काली तायोल सफेद बिटकी ताई। आप क्या, तुझे मैं वेटर दिख रहा हूँ? ए चला रे, निकलो वरना ये पकड़ा रहेगा। याद आओ पीते पीते हम भी आले। थुल दा थिम थिम। मौका है दत्तूल है, पुलिस वाले भी नहीं है। अले थल क्या खुदाला है दल? कूल रहना हाँ, कूल। ये क्या है? फोन है फोन। वो कौन था? फैन था। तू सीधे भी तो दे सकता था, ऐसे उछाल के क्यों? अले फैन ऐसे ही होते हैं, तू देख क्या पता। ले इसमें इसमें मेरा नंबर है, थाम को फोन करना। ओके तुमने जो फोन उसको दिया उससे वो फोन तो करेगा ना? करेगा थल, बट आप देखते दाओ। अगर ट्रैवल मूर्ति ने फोन नहीं किया तो बिट्टू को नहीं पकड़ पाएंगे। ये रवि अब तक नहीं टपका, जब तक वो टपक नहीं जाता मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। ये तभी मुमकिन हो सकता है अगर वो जिंदगी से परेशान होकर आत्महत्या कर ले। तुम तो उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। तुमने डंके की चोट पर कहा था कि तुम्हें 8 लोग, एक वैन और क्रेन दे दूं तो काम हो जाएगा। तुम्हारे लिए मैंने एक नकली फैमिली बनाकर जाली पासपोर्ट और वीजा पर लाखों रुपए खर्च कर दिए, पर हुआ क्या? तुम तो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाए। तुम्हारी वजह से मेरे 1500 करोड़ स्वाहा हो गए। ये देखो, अब ये कॉफी भी तुम्हें पिलाना, मुझे भारी पड़ता है। घटको है ये बेबे मेमे वाली भाषा के अलावा तुमने और किसी चीज में मास्टरी नहीं की है। तुम्हारी जगह अगर मैंने रवि पर भरोसा किया होता तो कम से कम आज मेरे रुपए मेरे पास होते। निकम्मा बेशरम कहीं का। बीवी के रहते उसका पति किसी औरत पर नजर डाले तो जानता उसके दिल पे क्या बीती। मेरे सामने जब तूने उसकी तरफदारी की तो मुझे भी बिल्कुल वैसा ही लगा। बे 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 मैं करके भाषा का मजाक उड़ाता है। जानता है मैंने उससे क्या कहा था? कभी किसी अपने का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो। ये दिल पत्थर बन चुका है, तेरा जिंदा रह के मेरा क्या फायदा है? पैसे 1500 करोड़ रुपए, वो सारा तुम्हें दे दूंगा। वो रुपए तेरे पास है? हाँ। पर वो तो जल चुके हैं। तुमने जो रुपए लूटे वो जले नहीं थे, वो कचरा था, मैंने रुपए बदल दिए थे। रुपए कहाँ छुपाए बता जल्दी बता। एक फोन करना है। जानता था वो हमारा फोन यूज नहीं करेगा, इसलिए उसके शर्ट पर ट्रांसमीटर लगा दिया। मैं हूं सर, ट्रैवल मूर्ति। मेरा बेल पर निकलना नामुमकिन था इसलिए भाग निकला। हालात पेचीदा है सर, अब बिट्टू जरूर पकड़ा जाएगा। बिट्टू को पकड़ने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ मूर्ति। बिट्टू वरदराजन सर कहां पर हैं? संपर्क क्षेत्र से बाहर हैं। क्या कहा? अरे उनसे बात करने के लिए तो मैंने रिस्क उठाया। तू कब से इतना चालाक हो गया रे? तुझे निकालने का जिसने प्लान बनाया, जो तेरी मुझसे बात करवा रहा है, उसे बोल मेरी बात ध्यान से सुने। हाय रवि, हाउ आर यू? आई एम योर फ्रेंड बिट्टू हियर। मिसिंग मी? तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। मैं जब बहुत छोटा था ना तो मेरे पापा पीकर हमें बहुत मारते थे। मैं तो सह लेता पर लाला बहुत छोटा था, दर्द के मारे वो जोर से चीखता। एक रात अचानक एक चोर घर में आया और मेरे पापा को मारकर सारे पैसे चुरा कर ले गया।
बेचारे मेरे पापा अपने आप को संभाल नहीं पाए और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। उसके बाद मेरा भाई फिर कभी नहीं रोया। पर एक बात कोई नहीं जानता, वो चोर मैं था। भाई को पीटता था इसलिए बाप का कोई पछतावा नहीं। भाई को मारने के बाद सोच तेरा क्या हश्र करूंगा, तेरी सांप पुछते भी नहीं सोच सकती है। छोड़ूंगा नहीं। रुको रवि, तू गांडू थे क्यों छे? वो तुम्हें मारना चाहता है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? अरे डर तो अब उसको लगेगा सर, क्योंकि मैं जंगल का शेर हूँ और वो सर्कस का। तुम्हारी बात तो समझ। वैसे तो मौत का फरमान सिर्फ ऊपर वाला लिखता है, पर मुझ जैसे लोग पार्ट टाइम यमराज भी होते हैं। उसने तुझे मारने की धमकी दी फिर भी कूल है? तुझे डर नहीं लगता या पीतल का हिलो इटली है? देख, विलन का काम है धमकी देना और हीरो का काम है कूल रहना। ए चमन, वो देख मधु, मिट्टू को तो संभाल लूंगा पर इसको कैसे संभालूं? आजकल की लड़कियों को खुद करने के लिए थोड़ा मत का मालना पड़ता है। ए, तू भी मत का मालना, तेरी लाइफ थेट हो जाएगी। मधु, 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 ए, ए, रुको, यस, ये लो पकड़ो। ये क्यों पकड़ा दिया? ताकि तुम यहाँ से हिल ना सको, ये तुम्हारे लिए पेपर वेट है। मधु, प्लीज मेरी बात सुनो, तुम मेरी जान हो। आई लव यू मधु, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, प्लीज मुझसे शादी कर लो, तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा। अब एक सेकंड ना, सेफ्टी के लिए, क्योंकि अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। मधु, इतना तड़पाना अच्छा नहीं, तुम जितना सोचना चाहती हो सोच सकती हो, पर जवाब हमें ही देना। ओके, समझ गई ना? बाय। बेटा, मुझे तो वो पागल लगती है, पूरी दुनिया में और कोई नहीं मिली। आजकल जीरो साइज का फैशन चल रहा है ताई। मुझे बहुत सुनाया। तो क्या हुआ? मुझे तो धोया था। मेरे हिसाब से इसमें लड़की का कोई दोष नहीं है, हमारे साहबजादे ने कोई गड़बड़ की होगी। Hey, मेरा पूरा परिवार बाहर बैठा हुआ है, तुम उनके सामने सीधा बेडरूम में आ गई? अरे वो क्या सोचेंगे? मेरे पापा और सौतेली माँ हमारी शादी की बात करने यहाँ आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं? हम्म। Hey, उस दिन की बात भूल गई? इन्हें मनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, उसके बाद अपनी फैमिली को लाना। फिलहाल तो तुम्हारा नाम सुनते ही सबके सब भड़क उठते हैं। अब तुम जाओ, जल्दी जाओ और देखो। तो तुम भी देखो ना, बाहर चले क्या? नहीं नहीं, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है, आओ आराम से बैठो। क्या हुआ? क्या कर रही है? अरे तुम मेरे पापा को जानती नहीं हो, वो एक बार शुरू हो जाते हैं ना तो किसी के भी आगे। ऐसा है क्या? एक्चुअली है। एक्चुअली क्या? बोलो ना रवि। आवाज हिचकिया। ऐसा मत करो। मधु प्लीज अपने कपड़े पहन लो, धड़कनें तेज हो रही हैं। मम्मी पापा को बुलाऊं? मरवाएगी। बेडरूम में गया था घबराते शर्माते हुए, बाहर आया नाचते खेलते, कहीं अपना चौथा गोल तो पूरा नहीं कर लिया ना? सारू सारू, हमको तो ये रिश्ता मंजूर है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें भी कोई एतराज नहीं है, पर पहले इसे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, उसके बाद शादी की तारीख तय कर लेंगे। हाँ हाँ। ड्राइवर, कार घर के आगे लगा दो, मैं बस पहुंच रहा हूँ। हाय रवि। तुम तो चेन्नई जाने वाले थे ना? हाँ, सोचा जाने से पहले मिल लो। ओके, आओ बैठो। नहीं यार, मुझे निकलना है। ऐसे कैसे खाना खा के जाओ? नहीं, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है, वैसे काफी मेहमान आए हुए हैं। हाँ, वो रवि की शादी फिक्स हो गई है ना इसलिए। वाकई? वाओ, वंडरफुल रवि, कॉन्ग्रेट्स। कौन है वो खुशनसीब लड़की? शी इज द वन। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं चेन्नई पहुंचने के बाद तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है राजेश, बाय। सर, मैं इन्हें छोड़ के आता हूँ। ओके रवि। सर, हमारा केस कहाँ तक पहुंचा? बिट्टू का पता लगाने की कोशिश चल रही है, आज सुबह ही वरदा राजन से बात हुई। देखो रवि, बिट्टू को कम आंकने की कोशिश मत करना, बहादुरी दिखाना एक बात होती है,
पर चौकन्ना रहने में कोई बुराई नहीं है, समझे? अंदर क्यों जा रहे हैं? मेरा फोन अंदर रह गया। मैं लेके आता हूँ, आप यहीं पर रुकिए। चमन सर आपका फोन। रवि भैया 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 राधे भैया हमें बचा लीजिए, हमें बचा ले। भगाओ भैया, छोड़ो हमें, छोड़ो मुझे भैया। रवि ओ बेटा, ओ बचा ले हमें बेटा। मेरे साथ आओ सर, आओ। देखो रवि, बात यह है कि मैं तुम्हें थाने चलना पड़ेगा। मैं हूं ना यहाँ पे। रवि, राजेश की गाड़ी में जो बॉम्ब लगा था उसका कंट्रोल इस फोन में था। तुम इनके साथ जाओ, इन्हें कुछ फॉर्मेलिटी के लिए पूछताछ करनी है। रवि सर, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। क्या हुआ सर? घबराने की कोई बात नहीं, पापा तो ठीक है ना सर? हाँ वो बिल्कुल ठीक है। प्लीज सच सच बताइए सर। तुम चलो ना। भगवान जाने अब क्या कर सकते। रानी अपने पापा का चश्मा लेकर आ। पापा, तुम उस दिन 10,000 रुपए लेकर नहीं गया होता तो आज हम सब एक खुशहाल परिवार की तरह साथ बैठकर टीवी देख रहे होते। तेरी माँ तेरे लिए आलू के पराठे बना रही होती, तेरी बहन तेरे साथ झगड़ा कर रही होती। इसे ही खुशी कहते हैं।
वो खुशी वापस ला सकता है तू? परिवार के सुख के आगे तो सारी दौलत बेकार है। जब तुझे इतनी समझ है कि 60 किलोमीटर की स्पीड वाली ट्रेन को कोई नहीं पकड़ सकता, तो फिर तुझे ये कैसे नहीं पता कि 2 घंटे में 10,000 से 1,00,000 बनाना मुमकिन नहीं है। तेरी शॉर्टकट की वजह से आज मैं यहाँ इस हॉस्पिटल में लेटा हूँ, जबकि अभी वो मेरी उम्र नहीं है। मुझे तुझ में और बिट्टू में कोई फर्क नजर नहीं आता। तेरा सपना लाखों कमाने का था और उसका अरबों में खेलने का। पापा, अब गुस्से से क्या फायदा? धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार जुआ खेला, उसकी वजह से महाभारत हुआ। तूने 10,000 का जुआ खेला और हमारी जिंदगियां नर्क बन गईं। तुझे पता है, मैंने पाई पाई जोड़कर तेरी बहन की शादी के लिए पैसे जमा किए, तुझे पढ़ाया लिखाया। कई टीचर्स क्लर्क्स तो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पाते। मैंने और तुम्हारी माँ ने भले ही खुद न खाया हो, पर तुम्हें भूखा नहीं सोने दिया। वो कर्ज कैसे चुका? मुझे सिर्फ अपने पैसे ही नहीं चाहिए, तुझे पूरे 1500 करोड़ वापस लेकर आने होंगे। तब तेरा बाप मानेगा कि तू और बिट्टू अलग है। तुम केस की फिक्र मत करो, मैं साबित कर दूंगा तुमने राजेश को नहीं मारा। साबित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि राजेश जिंदा है। हाँ? क्या कह रहे हो? जरा याद कीजिए, उन्होंने घर पर आते वक्त फोन पर क्या कहा था। कार घर के आगे लगा दो, मैं बस पहुंच रहा हूँ। इसके हिसाब से ड्राइवर कार के अंदर ही था। अगर राजेश की मौत बॉम्ब ब्लास्ट से हुई थी तो कार में कितनी लाशें होनी चाहिए थी? 2। हमें कितनी मिली? 1। तो किसकी मौत हुई? ड्राइवर की। घर से बाहर निकलते वक्त पता है राजेश ने क्या कहा था? आज सुबह ही वरदराजन से बात। वरदराजन पहले ही मर चुका था और उसने कहा कि सुबह ही उसकी बात वरदराजन से हुई थी। कैसे? तुम्हें कैसे पता कि वरदराजन मर चुका है? सुबह हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त मैंने टीवी पर उसकी मौत की खबर देखी। हथियारों ने के वरदराजन का उनके ही गेस्ट हाउस में बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस जांच कर रही है। तो इसमें आईजी राजेश की क्या इन्वॉल्वमेंट है? उस रात कचरे के ढेर में पहुंचते ही पैसों को लेकर उन्हें एक स्ट्रॉन्ग हिंट मिला था। अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो राजेश ने कचरे के ढेर में वो रुपए जरूर ढूंढे होंगे और उसे वो रुपए मिले भी होंगे। कौन है? बिट्टू के जेल से निकलने के बाद ये पैसे हम तीनों आपस में बांट लेंगे। पर अगर मैंने केस ही ऐसा फाइल किया कि बिट्टू कभी निकल ही ना पाए, तो फिर हम ये आधा आधा कर सकते हैं? पर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि बिट्टू ही भाग जाएगा। किसी तरह बिट्टू को राजेश और वरदराजन के प्लान की भनक लग गई, इसलिए बिट्टू ने वरदराजन का ही पत्ता काट दिया। तो फिर उसने आईजी को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि रुपए कहाँ है सिर्फ वही जानता है, इसीलिए छोड़ दिया। बिट्टू उसके साथ मिल गया होगा। ये तो समझ आ गया कि आईजी ने अपनी गाड़ी उड़ाकर एक गेम खेला, पर बिट्टू को कैसे पता चला कि आईजी और वरदराजन एक साथ मिले हुए हैं? बिट्टू और मेरे सोचने का तरीका एक जैसा है, पर इस बार उसने काफी आगे की सोच कर मुझे मात दी है। तभी तो मेरे पापा हॉस्पिटल में, मेरी बहन उसके पास और मैं पुलिस कस्टडी में। अब वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। पर कैसे? इसे महफूज रखने में पता है कितनी मशक्कत करनी पड़ी? 1500 करोड़ रुपए। बिट्टू, मेरा हिस्सा मत भूल जाना। ठीक है, अभी ले लो। बेचारा पुलिस वाला हिस्सों में पट गया। सर चाय। रवि, आ तो मरी गया।
बिट्टू को फोन लगा। मूर्ति ये क्यों फोन कर रहा है? फोन मत उठा, फोन मूर्ति नहीं कर रहा है, कोई और है। सर इस कॉल को ट्रेस कीजिए। 3 कंटेनर्स मंगाओ, 1 कंटेनर में पैसा, और जब रुपयों के ढेर का पता लगे उससे पहले ही तुम लोग समंदर के रास्ते से दूर चले जाओगे। और तुम? मैं सीधा ट्यूटिकोरिन एयरपोर्ट, वहां से मालदीव्स जो बहुत पास में है, और वहीं पर तुम शिप से पैसे लेकर आओगे। मैं फ्लाइट से आऊंगा। और ये लड़की? यही तो हमारे यहां से निकलने का जरिया बनेगी। उसका कॉल चेन्नई में एन्नूर इंडस्ट्रियल एरिया में एक सेलफोन से कनेक्ट हुआ। एक बार अगर वो इसका फोन उठा लेता ना तो हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकते थे। सर हाँ? अभी क्या, अभी चेन्नई जाना पड़ेगा। हाँ? चेन्नई? हमारे पहुंचने तक रात हो जाएगी, सच तक वो देश से फरार हो जाएगा। हेलीकॉप्टर चाहिए। क्यों? ये मजाक न थी गंडा। और जीजा जी, जब गुंडे बदमाश प्लेन और शिप से जा सकते हैं तो पुलिस हेलीकॉप्टर से क्यों नहीं? वो हमें एयरपोर्ट में घुसने तक नहीं देंगे। बिल्कुल घुसेंगे सर। कैसे? आपके दामाद की मदद से। मारो दामाद पायलट छे। पर आखिर वो मानेगा क्यों? वो नहीं मानेगा। मैं उसे मना लूंगा सर। कैसे? जैसे तुमने मूर्ति से बात की थी? अरे बिल्कुल नहीं, झोली फैलाकर भीख मांगूंगा। मुझ पर हाथ उठाया, I will see you। दामाद जी मत बजाओ बाजा, बर्फ लगाओ ताजा ताजा, बेटी से बात कर लो, हो जाओगे। मुझे आपकी बेटी से बात नहीं करनी, दूर रहो मुझसे। मिल गई खुशी, मेरी बेटी का घर बसने से पहले तुम उसे उजाड़ रहे हो। बेकार में इतने नखरे कर रहा है, कौन सा हेलीकॉप्टर का मालिक है, ड्राइवर ही तो है। लिप पे लगाओ जी, पर चलो चलो। इंडस्ट्रियल एरिया से पोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क पर नजर रखनी है। और हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उसी रास्ते से पैसों का कंटेनर जाएगा। नीचे देखो, नीचे तो 3 ट्रक हैं, पर पैसे किसमें हैं? सिंपल सर, जिस ट्रक में पैसा होगा वो भारी होगा, उसके पहिए दबे हुए होंगे। रवि वो देखो, उस ट्रक के पहिए दबे हुए हैं। यानी मेरा शक बिल्कुल सही निकला, पैसे तो मिल जाएंगे पर बिट्टू कैसे मिलेगा ये लैंड करने के बाद बताऊंगा। याद रहे तुम्हारी बहन उनके कब्जे में है, सावधानी से बापू। जब तक उसे पैसे नहीं मिलते वो मेरी बहन को हाथ तक नहीं लगाएगा। ड्राइवर नीचे लो। हेलो सर। रवि। बोलो रवि। ऑरेंज कंटेनर दिखा? हाँ दिख गया। वो कहाँ पे जा रहा है? अभी बता नहीं सकता, एक मिनट दो। वो ईस्ट में हार्बर रोड की तरफ जा रहा है। उसका ड्राइवर कौन है? सिंह, धनुष सिंह। तो पैसा जरूर उसी में है। ट्रक को हार्बर पहुंचने से पहले कैसे रोकोगे? आप बस देखते जाइए। बोलिया किधर है तू? MG रोड पर। एग्जैक्ट लोकेशन बता। सेंट जॉन स्कूल के बाहर हूँ, बाइक पंक्चर हो गई है। स्कूल में जाओ और घंटी बजा जल्दी। क्यों? जितना बोल रहा हूँ उतना कर। वहाँ पे एक ऑरेंज कंटेनर आएगा। हाँ हाँ दिख गया, स्कूल के बच्चे सड़क पार कर रहे हैं, उसकी वजह से कंटेनर रुक गया है। ए कंटेनर रिवर्स ले रहा है। लेफ्ट या राइट? राइट राइट। मनाली हाई रोड की तरफ। हाँ हाँ हाँ। वहाँ पे अपना कोई पहचान वाला है क्या? हाँ अपना भास्कर वहीं पर रहता है। हेलो। ए सुन, सामने कौन खड़ा है? एक बॉडी बिल्डर टाइप का आदमी है। और तू क्या कर रहा है? चाय पी रहा हूँ। उसके मुंह पर फेंक। उसके मुंह पर? हाँ जल्दी मुंह पे फेंक। ये भी। और जापुन तेरा कीवा बनाएगा। किसी आदमी के चेहरे पे किसी ने चाय फेंक दी सर, धंधा शुरू हो गया है, होश भेजिए सर। सुन कंटेनर लेफ्ट गया या राइट गया? गाड़ी घुमा के राइट को निकल गया। पार करते ही वो हावा पहुंच जाएगा। उसे पार करना ही नहीं दूंगा। अरे ये बार बार हेलो FM क्यों लगाता है? ए चैनल चेंज मत कर, मुझे अच्छा लगता है। सुरेश किधर है तू? स्टूडियो में हूँ। जल्दी अनाउंस कर मनाली से हार्बर जाने के रास्ते पर ट्रैफिक जाम है। पर इस रूट में तो ट्रैफिक जाम नहीं है। इस झूठ में देश की भलाई है,
हेलो लिसनर्स, अब जानते हैं ट्रैफिक का ताजा हाल। हार्बर जाने वाले रास्ते पर भारी जाम लगा हुआ है। ट्रैफिक से बचना है तो रास्ता बदल लो, वरना घंटों तक गाड़ी में बैठे रहो। अगर कुछ नहीं करना है तो हमारा अगला सुपर डुपर हिट गाना सुनो। वो यू टर्न लेके राइट जा रहा है। यस। तुम क्या करना चाहते हो? बिट्टू के इरादों पर पानी फेरना। ये ट्रक यहीं घूमता रहेगा, स्टीयरिंग उसके हाथ में होगा, पर उसे ड्राइव मैं कर रहा हूँ। लेफ्ट, वन मोर लेफ्ट, राइट। ए, गाड़ी किसने रुकवाई? शाबाश रवि। डेढ़ हजार करोड़ में से तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिल पाई। आ रहा हूं मैं। रवि, अब तुम कहाँ जा रहे हो? बिट्टू हार्बर पर रुपयों का इंतजार कर रहा होगा, वहीं पे आज उसका किस्सा खत्म कर दूंगा। नहीं, देखो वो हार्बर की तरफ घुमाओ, हार्बर की तरफ। ये कोई ऑटो रिक्शा नहीं है कि जैसे बोला वैसे घुमा दूं। चुपचाप घुमा। बिट्टू, तेरे आदमी ने कॉल नहीं किया। क्या कॉल नहीं आया? मैं पहुंच रहा हूं। तू मुझे मारना चाहता है? तेरे लिए किसी की जान लेना बस एक खेल है। हम जैसे एडुकेटेड लोगों को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बैठकर बात करना चाहिए। चला जा। ए! जाने दे मुझे, लफड़े में नहीं पड़ना। सारा पैसा तू ही रख ले, तू ही रख ले। तुझे सब कुछ दे रहा हूं ना मैं, तू गोली क्यों चला रहा है? मुझे जाने दे, जाने दे। मैं तुझे बताता हूँ तेरी बहन कहाँ है। नहीं जानना, नहीं जानना वो कहाँ है। ए, ए, देख, अगर मैं जिंदा नहीं रहा ना, तो इस जन्म क्या अगले 10 जन्मों तक तुझे पता नहीं चलेगा कि तेरी बहन कहाँ है। मैं क्या तो तेरी बहन भी गई। अबे बहरा है क्या तू? तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? मेरा टारगेट तू है। जब तूने मेरे भाई को मारा, तब मैंने तुझे मारने का प्लान बना लिया। अबे वो तेरी बहन है। मुझे पता है। अबे तुझ में कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? नहीं, अब तक हम दोनों बिल्कुल एक जैसा सोच रहे थे। बीच बीच में तू मुझसे आगे निकल गया था, पर अब मैंने तुझे बहुत पीछे छोड़ दिया है।
कुछ नहीं होगा। रवि रुको, उसे मारना मत। ऑफिसर देखो रही है, मुझे मारना चाहता है। रवि रवि समझा रहे हैं, मुझे बचा लो ऑफिसर, इससे पहले ये गोली चलाए इसे अरेस्ट कर लो। अरे जल्दी में हथकड़ी लाना भूल गया। रबो बैंड भी चलेगा ऑफिसर, मैं भागने वाला नहीं हूँ। आज तो वैसे भी तुझे भागने नहीं दूंगा, पर जेल पहुंच गया तो जरूर भागेगा। उड़ा दो सर। और अगर नहीं भागा तो जेल में अंडा पोर्ची कभी ऑमलेट की मांग करेगा, सरकार का पैसा खर्चा करेगा। मैं तो बोलता हूँ यही उड़ा डालो। प्योर वेजिटेरियन हूँ सर। इसको मारेंगे तो केस बन जाएगा। बॉडी मिलेगी तब ना, इसको यहीं गाड़ देंगे। हम दोनों के अलावा ये राज किसी को पता नहीं चलेगा। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं ससुर जी? इसको भी खत्म कर देंगे, एक ही कब्र में दोनों लाशें। टाइम वेस्ट मत कीजिए सर, आपकी बेटी के लिए इससे 10 गुना अच्छा लड़का मिलेगा। एक नंबर का पागल आदमी है, चार बार मुझे मारने की धमकी दे रहा है। पागलपन पागलपन दिखाऊंगा। इसको मारने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, इसे जेल जाने दो। सर मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको उड़ा डालूंगा। रवि तुम मेरे बेटे जैसे हो, प्लीज गन फेंक दो, मैं कहता हूँ गन फेंक दो। रवि जाओ। यस बिट्टू। रवि अगर मैं पहले शूट नहीं करता तो ये तुम्हें मार देता। नहीं मार सकता था सर। क्यों? क्योंकि उस बंदूक में गोलियां ही नहीं है। ये कैसे हो गया? खाली है। तो तुमने खाली गन फेंकने का ड्रामा किया? और क्या, आपको क्या लगता है इसको गोली मार के जेल जाऊंगा? पागल हूँ क्या? तुमने वादे के हिसाब से तीसरा गोल भी मार दिया। रवि बेटा आज तुम्हारा इंटरव्यू है। हाँ पापा। कितनी सैलरी मिलेगी? हर महीने हाथ में 25,000 आ जाएंगे। बस इतनी? पर तुम तो 2 घंटे में 1,00,000 और 1 दिन में 1 करोड़ कमाना चाहते थे। आप भी पापा। Wish you all the best. Thanks, पापा। चलता हूँ माँ। 5,000 के लिए थैंक्स डैड। अब देखना कैसे 5,000 को 50,000 बनाता हूँ। अपने पापा से कह रहे थे? हाँ। देखो उन्होंने तुम्हें 5,000 रुपए दिए। हाँ। अब गलत रास्ता अपनाओगे तो 5 से 50 क्या 5,00,000 बना सकते हो। एक एडवाइस देता हूँ, ये पैसे जाके अपने पापा को दे दो, बस इसमें से 200 रुपए रख लो और शाम को गोल्ड माइन की कोई अच्छी सी पिक्चर देख लो, सब सेट हो जाएगा। बोलो डार्लिंग। रवि अब बस में मुझसे बिल्कुल सफर नहीं होता, शादी के बाद मुझे स्कूटी दिलाओगे ना? आज शाम को IPL मैच है, मैं अपना इंटरव्यू कैंसिल कर देता हूँ और बैटिंग करने जाता हूँ, फिर स्कूटी क्या, तो मैं सीधा BMW दिला दूंगा, चलेगा ना? नो 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 नो, बस ही ठीक है, प्लीज गो फॉर द इंटरव्यू। रवि आई लव यू। आई लव यू टू।